अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, इस अलजब्रेक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यानी हम इस अलजब्रेक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस प्लस थ्री को उस साइड पे शिफ्ट करना होगा, यानी मुझे एक्स की ज़रूरत है, तो लिहाजा मैं प्लस थ्री को उस साइड पर ले जाऊँगा। तो लिहाजा ये प्लस थ्री हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस थ्री, जबकि ये हमारे पास प्लस सेवन उसी तरह रह जाएगा। अब मैंने यहाँ पर माइनस थ्री क्यों लगाया, देखो इक्वेशन के एक साइड पे अगर हमारे पास किसी भी नंबर का साइन नेगेटिव हो और उसको हम दूसरे साइड पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके साइन को हम पॉजिटिव बनाएंगे, और अगर उसका साइन पॉजिटिव हो तो उसका साइन हम नेगेटिव करेंगे, यानी एक साइड से दूसरे साइड पे शिफ्ट करने से उस नंबर का या उस टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो लिहाजा इस टर्म का यानी प्लस थ्री का हमारे पास साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, पहले प्लस था अब माइनस हो गया। अब चूंकि ये लाइक टर्म्स हैं तो लिहाजा ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो लिहाजा इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, क्योंकि यहाँ पे अब सब्ट्रैक्ट होंगे, एक का साइन पॉजिटिव है एक का साइन नेगेटिव है, तो लिहाजा मैं बड़े से यानी प्लस सेवन से माइनस थ्री को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो आंसर हमारे पास प्लस फोर आएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, प्लस फोर, लेकिन प्लस का साइन हम नहीं लगाते, सिर्फ फोर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास इस अलजब्रेक इक्वेशन का सलूशन, यानी इस फोर को अगर हम इस अलजब्रेक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास सेवन दोनों साइड पे आ जाएगा, यानी मैं अभी इसी अलजब्रेक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू फोर पुट करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा फोर प्लस थ्री, और दूसरे साइड पर हमारे पास क्या है, सेवन। अच्छा, इस साइड से हमारे पास क्या आता है, सेवन, और इस साइड से हमारे पास ऑलरेडी सेवन आया हुआ है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, सेवन दोनों साइड्स पे आ गया है, लिहाजा हमने जो वैल्यू फाइंड आउट कर लिए ये हमारे पास करेक्ट है। तो ए फोर हमारे पास क्या है, इस अलजब्रेक इक्वेशन का सलूशन है।